जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेय ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार जनपद में बाढ़ पूर्व तैयारी सुनिश्चित किए जाने हेतु 14 जून को सदर तहसील के राजघाट नौसड़ के समीप के ग्रामों में मॉक ड्रिल कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम 14 जून को सुबह 8 बजे राजघाट के पास से प्रारंभ होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार राजस्व, चिकित्सा आपूर्ति, पशु चिकित्सा एवं पुलिस विभाग के प्रतिनिधि अपने विभाग की कार्ययोजना व समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के दूरभाष संख्या सहित उपस्थित रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जिला आपदा प्रबंधक प्राधिकरण कार्यालय के अंतर्गत इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना की गई है। डीएम ने बताया कि तहसील सदर की आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र हेतु रावत पाठशाला तुर्कमानपुर राहत शिविर के रूप में निर्धारित किया गया है। राहत शिविर के अंतर्गत प्रभावित व्यक्तियों हेतु शुद्ध पेयजल, शौचालय एवं आवश्यक साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने हेतु राहत शिविर स्तर पर नगर निगम द्वारा कार्य किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर चिकित्सक, एएनएम, आशा और अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति आवश्यक दवाओं, क्लोरीन की गोलियों तथा चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस दौरान एम्बुलेंस की तैनाती आवश्यक है। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने दायित्व निर्वहन हेतु पूरी तत्परता तैयारी के साथ निर्धारित दिन को समय पर उपस्थित होकर मॉक ड्रिल को सफल बनाएं। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित स्थल पर स्थापित बाढ़ चौकी को उप जिलाधिकारी सदर द्वारा क्रियाशील कर दिया गया है। मॉक ड्रिल के अवसर पर पशु कैंप वितरण व एयर ड्रॉप किए जाने हेतु राहत सामग्री की पैकेटिंग, बंधे में रिसाव व उसे रोकने की विधि का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।